ओम गण गणपते नमः। इस वर्ष माता रानी का पवित्र त्यौहार यानी शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ इस वर्ष मनाया जाएगा। इस वर्ष माता रानी पृथ्वी पे डोली में आ रही है। जब थर्सडे और फ्राइडे को नवरात्रि स्टार्ट होती है, तो उस दिन की जो माता की सवारी होती है वो डोली होती है। जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो सुबह 5:15 से स्टार्ट हो रहा है और दोपहर को 3:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:35 तक रहेगा। राहु काल जो है 1:30 से शुरू हो रहा है और 3:00 तक रहेगा, इसलिए जो कलश स्थापन का मुहूर्त है वो 1:30 तक होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो कलश स्थापित है वो 1:30 के अंदर अंदर कर लीजिए। कुछ लोग नवरात्रि में चढ़ता और उतरता व्रत रखते हैं, यानी फर्स्ट डे एंड लास्ट डे रखते हैं। कुछ लोग एक जोड़ा रखते हैं, यानी 2 दिन लगातार फास्ट रखते हैं। कुछ लोग 9 डेज प्रॉपर फास्ट रखते हैं। इन 9 दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनको अपने डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। ऑयली फूड कम से कम खाना चाहिए, दिन में एक ही बार ऑयली फूड खाना चाहिए। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, यानी कि पानी का संपूर्ण सेवन करना चाहिए। हो सके तो नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हैं। दूध दही को अपनी डाइट का प्रॉपर पार्ट रखें, क्योंकि हम शरीर और मन के थ्रू ही ऊपर वाले तक पहुंच सकते हैं। तो जब तक कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक माता रानी भी प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि आप उनकी पूर्ण सेवा ही नहीं कर पाएंगे। तो उनकी सेवा करने के लिए अपना ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिएगा। डाइट में आफ्टरनून नाश में कोशिश कीजिएगा कि ऑयली फूड खाइए, लेकिन लाइट मतलब जो नाइट का फूड होगा उसको थोड़ा सा लाइट रखिएगा। मॉर्निंग की शुरुआत फ्रूट से एंड दूध और दही से करिएगा। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप माता रानी की पूर्ण सेवा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सबके घरों में कलश स्थापन की अपनी विधि होती है, परंतु जो बेसिक विधि है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कलश स्थापन के लिए सबसे पहले कलश लीजिए। मिट्टी का कलश भी ले सकती है, कुछ लोग पीतल का लेते हैं, कुछ लोग तांबे का लेते हैं, सबकी अपनी श्रद्धा होती है। उस कलश के ऊपर सबसे पहले मौली बांध दीजिए, उसके बाद उसमें जल भर दीजिए। जल में जो है आप 2 लौंग, 1 सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, कोई भी कॉइन डाल सकते हैं, सोने का भी डाल सकते हैं, चांदी का भी डाल सकते हैं, नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं, गंध, फूल, ये सब डाल देंगे। उसके बाद उस कलश के अंदर जो है आप चाहे तो आम के पत्ते डाल सकते हैं या अशोक के पत्ते, जो आपको इजीली मिल जाए उसको डाल सकते हैं। उसका नंबर 5 या 7 होना चाहिए। उसके ऊपर एक दियाली रख देनी चाहिए। उसके बाद जटा वाला जो नारियल होता है उस नारियल के ऊपर चाहे मौली बांध दीजिए, चाहे लाल कपड़े में लपेट के उसके अंदर रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो जब हम कलश स्थापित करते हैं तो माता रानी वहाँ पे आती हैं, और हम इस आशीर्वाद को मांगते हुए कि माता रानी इस कलश स्थापन के साथ जो है आप हमारे घर में वास करिए। इसके साथ ही खेतरी भी बोई जाती है। जो खेतरी होती है कुछ लोग चावल की बोते हैं, कुछ लोग गेहूं की बोलते हैं, ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे खेतरी उगती है, यानी वो जितनी अच्छे से उगती है वैसे वैसे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो रही है और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कुछ लोग घर में 9 दिन अखंड जोत जलाते हैं, तो 9 डेज के लिए वो बड़ी जोत जलाई जाती है। वो जोत कुछ लोग तिली के तेल की जलाते हैं, कुछ लोग देसी घी की जलाते हैं। सब अपनी श्रद्धा और अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जो आपका बजट अलाउ करता हो, वो आप उसके अकॉर्डिंग आप देसी घी की भी जला सकते हैं, तिली की तेल की भी जला सकते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग और इवनिंग में भी जोत जलाते हैं, ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो जिस तरीके से आप कर सकते हैं वैसा करना चाहिए। अच्छा हाँ, कलश के ऊपर जो है उसके बाद स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक भी बना सकते हैं, ओमकार भी बना सकते हैं। अगर कोई स्वास्तिक या ओमकार नहीं बना पा रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ एक टीका लगा सकते हैं। जो टीका होगा वो हल्दी और कुमकुम को मिला के लगाया जा सकता है, साथ में चावल को, और नहीं तो रोली का टीका भी लगाया जा सकता है, बट उसमें भी अक्षत ज़रूर होना चाहिए। धन वैभव की वर्षा हो, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे बरसे। जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वो सब आप लोग को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय माता दी।